भाजपा महासचिव और इंदौर से भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कमलनाथ ने पैसे लेकर टिकट दिए हैं, इससे कांग्रेस नेताओं में आक्रोश है, अब जनता को कांग्रेस के बारे में सोचना चाहिए। इंदौर से चुनाव लड़ रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा मुझे जानकारी मिली है कमलनाथ ने करोड़ों रुपए लेकर टिकट दिए हैं, इससे कांग्रेस में आक्रोश है, ये संगीन आरोप है, नेता ऐसे करेंगे, अब जनता को सोचना चाहिए। देखिए मुझे जो जानकारी मिली है कमलनाथ जी ने उम्मीदवारों से पैसे लिए और टिकट बांटे हैं, इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही कहा कि हमने दो दो तीन तीन चार चार करोड़ रुपए दिए पार्टी में खर्च किए किंतु हमें टिकट नहीं मिला है, ये बहुत संगीन आरोप है। यदि कांग्रेस के नेता ही अगर ऐसा काम करेंगे मैं समझता हूँ कांग्रेस किसी पार्टी है इसके बारे में प्रदेश की जनता को सोचना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।